मैं आज गड़बड़ भाई साहब लेके आए हमको अपना लाइटिंग सेटअप के लिए। देखो माइक लगे हैं उधर, लाइट एक लाइट इधर लगाई गई है, पूरा तैयार लुक है। शुरुआती चैनल का रिव्यू है, आगे मिलेंगे दो साल बाद, तब सब बदल चुका होगा, स्टूडियो बन चुका होगा एक राय के मकान में। ये हमारा वीडियो एडिटर, इसको हमने हायर किया है 8,000 रुपये में, और ये हमारे वीडियो का एडिटिंग करता है, हमें लाइटिंग बताता है, साला पैसे भी नहीं सेट करता है, सबको डिस्क्रिप्टिंग भी करता है, हमारा हम से बैठ के वीडियो बनाते हैं। तो आज शाम को मिलते हैं हम लोग मेरे घर के पास के मंदिर में, जिसका नाम है माना नेवन। वैसे देख रहो 8,000 मतलब अबे 8 लाख का पैकेज दे मेरे को। अभी हम लोग जा रहे हैं महादेव मंदिर, और महादेव मंदिर पे हम लोगों का आज ब्लॉग शूट है, तो महादेव मंदिर पे हम लोग ब्लॉग करेंगे। और अभी तो हम जिस रोड से जा रहे हैं वो हमारी लिंक रोड से एक मेन रोड पे आ गए हैं हम लोग, और मेन रोड से सामने से अभी हमारा जो फ्रेंड है, जो मेरे वीडियो का एडिटर है, वो अभी गाड़ी चला रहा है। तो अबे गौरव बोलना गौरव। और ये अब हम मुड़ गए सेकेंड लेफ्ट में, काफ़ी अच्छा। अभी मेरा मोबाइल बचा था वरना गिरते तो टकरा जाता और गिर जाता। अरे ठीक है नहीं ना, इतनी करवा दो भाई, गिरे के नहीं टुकड़े हैं भाई। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कोई मोबाइल मेरा छीन ना ले। कानपुर तो आप जानते ही हो, लोगों ने फेमस कर रखा है गलत कामों में। कानपुर अच्छा है भाई, कुछ हिसाब से इतनी ना करो भाई। कानपुर को वन लेवल में हैप्पीनेस में 11 नंबर पर आया था। कानपुर 11 नंबर पर 11 नंबर पे आना पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी बात होती कानपुर के लिए। पहले थोड़ा सा कानपुर के लिए तालियां भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन में, राइट टर्न के बाद मेरी एंट्री हो चुकी है अपने मंदिर वाले रोड में। ये देखिए दोस्तों, जाते ही जाते हमें बतख मिली हैं, जो कि वाइट कलर में ढेरों सारी हैं। ये देखिए आप इनको देखिए पहले। वाह अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे देखने, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर काफ़ी दिन बाद आए हैं, तो इतना नया हो गया है यहाँ पर, तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा। जो कि मंदिर के बगल में पहले हम लोग आते थे यहाँ पर सुबह एक्सरसाइज करने, घूमने टहलने, लेकिन अब टाइम नहीं होता है तो आ नहीं पाते हैं। अभी शाम को जा रहे हैं तो थोड़ा सा लगा कि आज ऐसे मंदिर का ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मंदिर का ब्लॉग बनाने आ गए। लेकिन अभी क्या है, गौरव ने बोला कि थोड़ा सा आगे देखते हैं ज़रा, जो भी हम लोग जहाँ पर क्रिकेट खेलते थे पहले, वो जगह पे क्या प्लाट बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, नए नए काम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं, आपको दिखाएंगे। जो मेरी फील्ड थी पहले, ग्राउंड था, वो सब ख़त्म हो गया, और कि घास फूस आप देख पा रहे हैं, इतना सारा घास फूस हो गया, यहाँ पर क्रिकेट खेलना तो अब नामुमकिन है। तो इधर तो फील्ड देखने में दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि अब क्रिकेट खेल नहीं पाएंगे कभी यहाँ पर। यहाँ पर जिनकी ज़मीनें थी वो अपना अपना ले लिए हैं। तो अब हम मंदिर वापस जा रहे हैं। अब आएगा मंदिर का छोटा सा दरवाज़ा, जो कि हम लोग थोड़ा सा नीचे से गुजरेंगे और हमें झुकना पड़ेगा। ये देखिए, ये रहा वो दरवाज़ा, और ये अंदर आ गए। गौरव सिंह बोल रहे हैं कि बैठेंगे चल के, लेकिन अभी हम बैठेंगे नहीं, अभी आपको दिखाएंगे मंदिर के आसपास का नज़ारा, जो कि अभी फ्रंट में आपके एक मंदिर आएगा, और यहाँ पर सभी लोग बैठते हैं इस जगह पर, काफ़ी लोग बैठे दिखेंगे आपको। शाम को आते हैं थोड़ा सा मंदिर के पास, सुकून मिलता है। ये देखिए हमारे पीछे जो है, ये है हमारा मेन मंदिर, जिसका नाम है महादेवन। कानपुर में बहुत फेमस मंदिर है, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, कई लोग फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हमें मंदिर का प्रसाद भी मिल गया आरती के बाद। मंदिर का प्रसाद लेने के बाद अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा पार्क के साइड। पार्क क्या हुआ, तालाब बन गया है, और तालाब की जो लाइटिंग है बहुत ही अच्छी लाइटिंग है। जो हमारे तरफ तालाब है मंदिर के पास, उसमें कितनी अच्छी सी लाइटिंग की गई है, और जिस बंदे ने भी ये लाइटिंग के लिए सोचा था, बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट आइडिया है उनका। पूरा मंदिर घूमने के बाद हम बैठे थे तालाब के किनारे, अचानक चली गई ये लाइट। लाइट का वेट करना है, लाइट आते ही हम लोग फिर से शुरू करेंगे अपने ब्लॉग। अब हो गया हमारे घर जाने का टाइम, अब हम चलते हैं घर। शायद मेरे को दूसरा भी काम है, इसलिए अभी घर जाने का टाइम हो गया, सो अभी हम घर जाएंगे। घर के बाद फिर आपको मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। थैंक यू।